बिहार में कहने के लिए तो सुशासन की सरकार है, बावजूद इसके अपराधियों का बोलबाला काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अपराधी इतने ज़्यादा बेकौफ होते हैं कि पुलिस का डर नहीं होता है, प्रशासन से डर नहीं रहता है, तमाम नियम कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए वो वारदात को अंजाम दे देते हैं। अब देखिए, एक ऐसा मामला बिहार से सामने आया है जहाँ पर एक बच्ची को गोली मार दी गई है। इतने ज़्यादा वो लोग, दया उनके अंदर नहीं रहती है, एक बच्ची को उन्होंने सरेराम गोली मार दी है। बच्ची उस वक्त होमवर्क कर रही थी और होमवर्क करने के दौरान उसे गोली मारी गई, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। पूरा मामला कहाँ का है, आइए चलिए विस्तार से जानते हैं। आपको बताएं कि भोजपुर में घर में घुसकर अपराधियों ने 8 साल की बच्ची पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची उस वक्त अपना होमवर्क कर रही थी, आखिरी सांस तक उसके हाथ में पेंसिल थी। मामला जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के भेलाई गांव का है। शुक्रवार की रात अपराधी कृष्णा कुमार सिंह के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाने पर कृष्णा कुमार सिंह की 8 साल की बेटी आराध्या हाथ में पेंसिल ली हुई और दरवाजे खोली। अपराधियों ने पूछा कि पापा कहाँ हैं। आराध्या के मना करने पर गाली गलौज करने लगे। ये देख उसकी माँ और दादी वहाँ पहुँची, जिसने उसका विरोध किया और उसने विरोध में बच्ची को गोली मार दी और फरार हो गए। मामला जो है वो जमीन से विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कृष्णा कुमार सिंह को अपने रिश्तेदार से विवाद है, इसे लेकर ही शूटर ने हत्या कर दी। वारदात के आसपास के इलाके में सनसनी मची हुई है। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष टीम लेकर मौके पर पहुंचते हैं और शव का आरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाता है। पहली कक्षा में आराध्या पढ़ रही थी। वारदात के वक्त वो अपने पढ़ाई में लगी हुई थी। गोली लगने के दौरान आराध्या के हाथ में पेंसिल थी, जो उसे मरते दम तक पकड़ी रही। आराध्या अपने एक भाई ओम और बहन परिणीति से बड़ी थी। वह कतीरा स्थित मिशन स्कूल में पढ़ती थी। पिता कृष्ण सिंह दिनारा में पोल्ट्री फार्म चलाते हैं। आराध्या के घर में माँ अंजलि सिंह और दादी हैं। पिता कृष्ण कुमार सिंह ने पहले से चल रहे जमीनी विवाद में बेटी की गोली मारकर हत्या की आशंका जताई। उन्होंने बताया कि साल 2013 से 6 बीघा जमीन को लेकर अपने ही रिश्तेदार से विवाद चल रहा है। उसी विवाद को लेकर 2019 में छोटे भाई सत्यम की गोली मारकर हत्या की गई। इस घटना में हमें भी गोली लगी थी। कृष्णा कुमार सिंह ने बताया कि गोली लगने के बाद माँ और पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है। पत्नी ने किसी तरह खुद को संभाला और फोन पर मुझे जानकारी दी। मैं जैसे ही सासाराम से लौटकर अपने घर पहुंचा तो देखा खून से लथपथ मेरी बेटी जमीन पर गिरी पड़ी है। इसके बाद आरा सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये मामला ऐसा नहीं है, ये मामला बिहार में बच्चों पर जो हो रही घटनाएं हैं वो दूसरा है। इसके पहले में बिहार के सासाराम में भी इस तरीके से ये घटना हुई है, जहाँ 7 साल के बच्चे आदित्य को स्कूल संचालक ने पीटा और उसकी मौत हो गई। बिहार में अपराधी किस तरीके से बेकौफ हो रहे हैं, उनके पास हथियार किस तरीके से मिल रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण कल जो आरा भोजपुर में हुआ। 8 साल की बच्ची को गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी, ये काफ़ी निंदनीय है। प्रशासन को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने भी गोली चलाई है, जिन्होंने भी हत्या की है, उस पर ठोस कार्रवाई करने की बेहद ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस वीडियो में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।